नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं तो वहीं प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है तो वहीं सीएम लगातार जनसभाएं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने नारायणपुर और पुंडरी में चुनावी रैली की और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जननायक जनता पार्टी की, आज समाज पार्टी के साथ जो है गठबंधन करने और इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा है कि जब पतंगों का मौसम आता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन इनकी जो पतंग है तो पहले ही कटी हुई है, इनमें दम नहीं है पतंग उड़ाने का, और पतंग तो भारतीय जनता पार्टी की ही उड़ेगी। ऐसा ना, जब वो पतंगों का मौसम आता है ना तो हर आदमी चाहता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, लेकिन इनकी पतंगें तो पहले ही कटी हुई है, इनमें दम नहीं है अपनी पतंग बढ़ाने का, पतंग तो भारतीय जनता पार्टी की ही बढ़ेगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पतंग तो भारतीय जनता पार्टी की ही उड़ेगी, कितने भी जो है गठबंधन कर लीजिए, कितने भी जो है दलों को एक साथ लेकर चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन जो हरियाणा का मंच है यानी कि जो हरियाणा का रण है उसमें जो है पतंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उड़ने का जो दावा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो है चुनावी मैदान से शामदाम दंडभेद की नीति के साथ में जीत का मंथन जो तैयार किया जा रहा है, यानी कि जीतने के लिए जो चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है उसको भेदने का क्या विपक्ष के पास उपाय है, क्या विपक्ष के पास जो है इसका भेद पाना संभव है, तो इसी को लेकर तमाम सारी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो हरियाणा में चुनावी दंगल है उसमें किसका मंगल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो है जिस तरीके से तमाम सारी जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं चुनावी मंथन जो है किस तरीके से करती हुई नजर आ रही है, टिकटों पर भी जो है मंथन लगातार हो रहा है और लगातार जो है टिकटों को में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तमाम सारी पार्टियों के बीच में रस्साकशी की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में संभवतः जो है चुनाव पर किस ओर जो है जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और सत्ता के सिंहासन पर किसका राज तिलक होगा वो 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जो जवानी जंग देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर जो शब्दों के बाद जो चलाए जा रहे हैं उसमें किसकी जीत होगी, किस तरीके से जो है पार्टियां एक दूसरे को देखती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से जो है इन शब्दों के बाणों को जो है रोक पाना संभव है जो विपक्ष से या फिर सत्ता पक्ष से, क्योंकि दोनों ही पार्टियां रैलियां करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो मैं कांग्रेस की बात करूं चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस भी जो है हिसाब मांगती हुई जनता के बीच में जा रही है और उधर जो है सीएम सैनी ने अपनी जो चुनावी यात्रा है यानी कि जो जन आशीर्वाद रैली हो चाहे वो रोड शो हो तो चुनावी पूरी तरीके से जो बागडोर है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आज मसला में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है इस पूरे मुद्दे को देखती हुई नजर आ रही है पार्टियां, क्या रणनीति तैयार की गई है, कौन सा वो प्लान है जिससे कि चुनावी मैदान में उतरा जा सकेगा और उम्मीदवारों को ऐसा उम्मीदवार जो जनता के हित में होगा और जनता जिसे पसंद करेगी या जनता अपना मत उसको देगी, ऐसा उम्मीदवार ले जाने की भी यहां कहीं ना कहीं चुनौती सामने दिखाई दे रही है। इन सभी तमाम सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम सैनी ने अपने कंधों पर जो है बागडोर चुनावी रण में ले रखी है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं बीजेपी
किसी भी हर हाल में, किसी भी सूरत में जो है चुनाव जीतने पर, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में चुनाव जीतने की जो प्लानिंग है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष जो है दावे ठोकता हुआ भी नजर आ रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन संभव है, इस बार जनता मन बना चुकी है। अब किस तरीके से जनता मन बनाए बैठी है उसका परिणाम आने पर ही जवाब मिलेगा। तो कौन सा प्लान होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे कि टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, और कौन रूठता हुआ नजर आएगा, कौन अपने दल, अपने संगठन को छोड़कर दूसरी पार्टी में तो जाने का जो है पीछे तस्वीरें देखी हैं, जो सिलसिला शुरू हो भी चुका है। लेकिन रानिया से भी जो है, रानिया सीट से, रानिया विधानसभा की अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों जो है वहां से भी जो है आवाज उठी थी कि अगर रानिया सीट से अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं जो है बीजेपी अपना देख ले। इस तरीके का जो बयानबाजी है चुनावी मैदान से जो है निकलकर आ रही है। लेकिन सवाल सामने यही है कि हरियाणा के जो चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर अब की बार किसका राज तिलक होगा। तो हरियाणा के रण में टिकटों पर भी जो है मंथन लगातार जारी है। और ऐसे में जो है बीजेपी की तरफ से और एनएलओ की तरफ से भी जो है हरियाणा की चुनाव तारीख पर जो है चुनाव तारीखों में भी बदलाव करने की जो है पत्र लिखा जा चुका है। इस पत्र पर भी जवाब आना बाकी है। तो मसला में हम साफ तौर पर आज चर्चा करेंगे कि हरियाणा के चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर किसका अब की बार जो है राज तिलक होने जा रहा है। जिस तरीके से रणभेरी बच चुकी है, तमाम सारी पार्टियां जो है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैदान में उतरी हुई हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मसला में हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। उसका परिचय जो है मैं आपसे करा देता हूं। संजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजवीर रोहिला जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से। स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। और डॉक्टर निशांत आनंद प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का जो है मसला में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जो है राजवीर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरीके से जो बागडोर है पूरी तरीके से सीएम सैनी ने अपने कंधों पर जो है चुनावी रणभेरी में उतर चुके हैं बागडोर को लेकर, कैसे आप जो है तस्वीर को देख रहे हैं? दूसरी तरफ जो है गठबंधन एक के बाद जो है एक तस्वीर यहां पर स्पष्ट होती जा रही है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने प्रवास पर लगा हुआ। एक तारीख को हमारी रैली आ गई जिंदगी, जिसमें आज गठबंधन जी जो है हमारे केंद्रीय नेता क्रिकेट करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार, हमें कोई मतलब नहीं है वो कौन पार्टी क्या करती है, क्योंकि उनकी चुनावी प्रैक्टिस होती है, जब चुनाव आते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हम जनता के प्रति उत्तरदायी, और हमने 10 साल तक लगातार जनता के लिए काम किया है, और हम काम के आधार पर ही जनता में जा रहे हैं। हमने 10 साल करके करके दिखाए, और 10 साल हम क्या करने वाले, हमारा सिर्फ दो ही एजेंडे है बस, विकास हमारा प्रायोरिटी पे है, और हमने जो जनता को राहत दे सकती जो हमने दी है सिर्फ वो बता रहे हैं हम लोग। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से जो बयान आया है, अनिल विज भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी कितनी भी अपनी पतंगें उड़ा ले, लेकिन चुनाव के नतीजों के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की ही पतंग उड़ती हुई आसमान में दिखाई देगी। 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी स्टेट मशीनरी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जनता ने लड़ा था, और इस बार भी जो है चुनाव जो है हरियाणा का वो कांग्रेस तो लड़ेगी, लेकिन वो जनता का साथ लेकर, जनता के साथ जो है वो लड़ेगी। और जो विकास के हवा हवाई जो दावे किए जा रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर से वो मैच नहीं करते हैं।
वो सारा जो है वो एक्सपोज होगा, जो विकास हुए हैं, जो पुल बने, जो गिरे, जो नहीं बने, जो सारे हिंदुस्तान में जो आवाज जिसे कहते हैं अभी उठता हुआ है वो हरियाणा में भी होगा। तो हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो है दैट इज रिटन ऑन द वॉल, दैट इज द राइटिंग ऑन द वॉल कि जो इस बार सत्ता बदलेगी और कांग्रेस जो है वो सत्ता में पुरजोर तरीके से जो है वो वापसी करेगी। जी, लेकिन आपकी पतंग जो है काटने के लिए तो बीजेपी बैठी है। जाहिर सी बात है सर, वो यहाँ पर जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो अपना पूरा जोर लगाएगी, दूसरी पार्टियां भी जोर लगाएंगी, लेकिन जोर में जो है उन्हें इस बार जो है शिकस्त जो है वो मिलेगी। इसके लिए हम पूरी तरीके परिवर्तन की लहर चाह रहे हैं आप, जो परिवर्तन की लहर आपके दावों से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, किस बार जो परिवर्तन के मूड में जनता है। मैं बस एक अपनी बात ये कर रहा था कि सर सबसे जी बड़ी जो बात है जो टिकटों के प्रार्थी हैं आप उनसे देख सकते हैं कि बीजेपी में क्या हाल है और कांग्रेस में क्या हाल है। कांग्रेस में एक सीट के ऊपर कितने जो है प्रत्याशी हैं और हमारे जो भाई हैं बीजेपी वाले उनके पीछे कितने प्रत्याशी हैं। जाहिर सी है कि जहां जीतने की संभावना है लोग वहां आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो काम किया उसका मूल्यांकन जनता करेगी। ठीक है डॉक्टर निशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा में जो रण है उसको लेकर जो है क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से जो है आप इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं। नमस्कार। देखिए आम आदमी पार्टी अपने कार्य जो हमने काम करे हैं दिल्ली और पंजाब में और जो हमारी गारंटी है हरियाणा की, वो घर घर जाके जनता को बता रहे हैं और साथ ही जनता को ये बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या वादे किए और क्या कामों को पूरा किया। 2014 और 19 के जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उसके वादे थे, उसके 85% से ज्यादा काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए। साथ ही भाजपा ने हर वर्ग को हरियाणा में परेशान किया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो रस्तर बहने हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो। यहां तक कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो भाजपा ने उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा और कल की इनकी नई नवेली जो सांसद बनी है कंगना रनौत जी, उन्होंने किसानों को बलात्कारी कहा। तो इससे पता लगता है कि भाजपा एक जुमला पार्टी है, उन्होंने 10 सालों में हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। तो हम घर घर जाके ये बता रहे हैं कि किसको चुने, सही को चुने और जो आपकी सेवा करेगा, जो आपकी काम करेगा उस पार्टी को चुने। आखिरी बात देखिए, सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, सोचे और उसके लिए काम करे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बहुमत की सरकार बनाई, जहां पहले बीजेपी और कांग्रेस मजबूत और एक बड़ी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी मजबूती से अपना चुनाव लड़ेगी और अपने काम, अपनी गारंटी घर घर जाके बताएगी। आप अपनी गारंटी लेकर जो है घर घर जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बीजेपी का हिसाब भी, खाका भी जो है लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सर, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, हरियाणा की जनता ने भाजपा पे विश्वास किया। 9.5 साल बाद इन्होंने अपने सीएम का चेहरा बदला, स्टेट प्रेसिडेंट का चेहरा बदला, लास्ट 6 महीने में इतनी घोषणाएं करी जितनी इन्होंने पिछले 5 साल में घोषणाएं नहीं करी और जो घोषणाएं करी वो लागू भी कर पाए। 1200 का सिलेंडर 500 का वादा किया 15 दिन पहले, जो उसको अप्लाई एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ऐसे ही कई वादे इन्होंने लास्ट 1 महीने में चुनाव से पहले दिए, जिससे ये लोगों को फिर से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से धोखा दे सके। देखिए अब जनता समझ रही है काम करने वाली पार्टी कौन सी है। जुमला में दोनों पार्टियों को सफिशिएंट टाइम हरियाणा की जनता ने दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोकल स्टेट पार्टी हो। तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता अब चाहती है कि नई पार्टी, एक तीसरा ऑप्शन उनके पास अब आ गया है, जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे और आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी काम, अपनी गारंटी, अपने वादे और जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रांग पॉइंट है जिसमें वो नए लोगों को आगे बढ़ाती है और जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको मौका देती है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता वेलकम करेगी। जैसे कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को 5 लाख से ज्यादा वोट दिए, 30 सीटों में स्टेट पार्टी तीनों को अगर मिला दिया जाए, उनके टोटल भी वोट 5 लाख नहीं है, 30 की 30 उनकी जमानत जब्त हुई, तो इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा ने वेलकम किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजवीर जी,
राजवीर जी, जिस तरीके से जो है डॉक्टर निशांत जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आपका जो 10 सालों का खाका है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपने जो घोषणाएं की हैं उसका इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना? हाँ जी जी जी। निशांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इन्हें दिखाई नहीं, जिन्होंने दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि एक बार सत्ता में संपत्ति की नौकरियां की सरकार ने दी है, 10 सालों में 12 नेशनल हाईवे इसी सरकार में बढ़ी है, हर जिले में महिला कॉलेज की जो बुनियाद हमने देखी थी उसका पिछले जो पलवल में एक शिलान्यास हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के लिए, व्यापारी के लिए, हरी पाड़ी के लिए, हर किसी के लिए काम किया है, और इनको लग राशन कार्ड के लिए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये कभी कभी चेक करें तो फैक्ट चेक करें तो पता लगे इनको 3.5 लाख जो बुढ़ापा पेंशन जो रुकी हुई थी बहुत दिनों से, जो बर्फों में तरफ रहते लोग उनके हमने बनाई है, वो 30,000 हमने विधवा पेंशन बनाई है जो रेनवर मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए अपने समय में, 10 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, और ये सारा काम जनता का समर्पित है क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है, वो तो हमने पोर्टल लेके आए हैं, क्योंकि हर हर पार्टी ने पोर्टल उसी पोर्टल के माध्यम से लोगों की लंबी लंबी लाइनें खत्म हुई है, आयुष्मान कार्ड बनाए हम लोगों ने, तो कहने को तो ये है कि आपका आत्मसमर्पण बढ़ता है, अगर मैं बताने लगूंगा तो, लेकिन लगभग बात यह है कि सुना तो सुना दे, सभी पार्टियां अपना काम कर रही है, बजाय हम पर ध्यान देने के अपने ध्यान दीजिए, आपके नेता कहाँ है, आपके नेता पार्टी छोड़ के जा चुके पहुंचे तो, और आपके अस्पताल लग गया है, 2020 मार्च जमानत करते थे कुरुक्षेत्र में, आप गठबंधन में बना के नहीं हार गए, आपके अनुराग ठाकुर जी कुछ अलग बयान देते हैं, दो दिन बाद सुशील गुप्ता जी उसका खंडन कर देते हैं, भाई उनका निजी बयान है, तो कहीं ना कि आपकी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन वो बिगड़ा हुआ है, जब घर में झगड़े आ रहे तो बाहर कितने सत्य हो जाग रहे, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पार्टी में ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ये भी कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर देने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो सही को दिखाई दे, जनता को दिखाई दे रहा है, उसमें को बड़ी बात नहीं है, हमें जनता को जनता में जनता को हम बता रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, हम हमने आपके लिए ये किया, आज रैंडमली आप क्या कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं, हर गांव में 20 से 30 से लेकर 100-150-200 तक बच्चे लगे हुए हैं पक्की नौकरी पे, और बिना पर्ची बिना खर्ची, ये कम बड़ी बात है क्या? ये व्यवस्था परिवर्तन को हमने करके दिखाया है, पिछली सरकार ने 86,000 नौकरियां दी थी, इन्हें सरकार ने 16,000 नौकरियां दी थी, हमने 1,47,000 पूरी की है, 24,000 का हमारा रिजल्ट तैयार है, और एचकेआर ने हमें 1,20,000 से ज्यादा नौकरियां दी है, तो कहा ये दरअसल से आप फैक्ट चेक करो अपने, हमने क्या किया 10 साल में, हाँ हमने ये नहीं किया, हमने दलालों की दुकान बंद कर दी, हमने अब बिलबिला खोल रहा है, बिलबिला खोल रहा है जिनके जिनके मौके नहीं लगे, जिनके दाव नहीं लगे सरकार में, क्योंकि मनोहर लाल जी ने सारी व्यवस्था पारदर्शी कर दी थी, नहीं कुछ गुंडा छोड़ी नहीं थे उन्होंने, तो दिक्कत रहेगी थी, ठीक है। निशान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप इन्होंने कहा कि इनकी आज रैली थी, बहुत अच्छी रैली थी, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल डला अभी थोड़ी देर पहले, जिनमें नायब सिंह सैनी की रैली की फोटो है और डिटेल है, सर 100 पुलिस कर्मचारी साथ में है रैली में और 100 से ज्यादा जनता नहीं है, ये इनके सीएम चेहरे की ये स्थिति है आज रैली में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सुशील जी, अनुराग ठाकुर जी का बयान होता है, इसका जवाब हमारे यहाँ पर कोई सांसद नहीं है जो किसानों को बलात्कारी कहे और भारतीय जनता पार्टी को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़े कि हमारे सांसद ने जो कहा उससे हम वाकिफ नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई इतना अनपढ़ सांसद ये एमएलए नहीं है जिसको अपने शब्द और अपने विचार जनता के लिए कहने ना आते हो, हमने किसी भी मर्डरर को जिसके ऊपर क्राइम हो, जिसके ऊपर वुमेन सेल में रेप केसेस हो, हमने कभी उसको आगे बढ़ावा नहीं दिया, टिकट नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला हरियाणा में, इनके सब चट्टे बट्टे गुल होने वाले, इन्होंने सारे जुमले जो दिए जनता समझ चुकी है, इनके पास काम नहीं है बताने के लिए। अभी पीछे इनका एक इंटरव्यू आया है नायब सिंह सैनी का, 2 से ज्यादा वो काम नहीं बता पा रहे, 10 साल में उन्होंने क्या एग्जीक्यूट कर दी है। सर देखिए ये इनको शर्म आनी चाहिए कि 10 साल इतना बड़ा समय मिला और इनके पास 10 काम लोगों को बताने के लिए नहीं है। आज इनके जो कैंडिडेट है, चाहे वो हरियाणा में किसी भी विधानसभा में हो, वो सबको ये कह रहे हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, हमने इतनी रैली कराई, हमने इतनी गाड़ियां भेजी, इस यात्रा के लिए भेजी है, किसी के पास काम नहीं है बीजेपी का बताने के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं है,
तब भी आम आदमी का पार्टी का एक एक कैंडिडेट सिर्फ अपनी गारंटी बताता है, अपने काम करे हुए बताता है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे युवाओं को 43,000 नौकरी हो पंजाब में, चाहे सुरक्षा हो, इलेक्ट्रिक बसेस का काम हो। देखिए, आम आदमी पार्टी 11 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने काम से आगे बढ़ी है। आज 1500 नीट के एग्जाम सरकारी स्कूलों के बच्चों ने क्लियर करे। भाजपा ने क्या किया हरियाणा में, 750 किसानों की शहादत हुई और उसी को ही उनकी सांसद बलात्कारी कह रही। तो मुझे लगता है कि भाजपा का समय जा चुका है हरियाणा से, और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अपनी बात कहे जनता को, और ये भी समझाए कि दोबारा एक ऐसी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को ना चुने जो 10 साल बाद भी आपसे पूछे कि हरियाणा मांगे हिसाब या कोई यात्रा चलाए, जिन्होंने यहाँ पर MLA रह चुके। ठीक है, ठीक है, राजवीर जी छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए और मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय जी, संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, धैर्य पूर्वक आप सुन रहे हैं बड़ी देर से, लेकिन राजवीर जी थोड़ा सा आप जो संक्षेप में बताए बोलिए जरा, क्या कहना चाहेंगे जो इनके आरोपों पर? क्या आरोप लगाए? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आप तक? आ रही आवाज, क्या आरोप लगा रही है? अरे निशान जी लगातार जो है आपको तमाम सारी जो चीजें हैं उनको गिनाकर जो है चले गए, आप कह रहे कि आवाज नहीं आई। सर अगर मैं बात करूं, जी तो विपक्ष का विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष लगाना चाहता हूँ, लेकिन जनता जनता खुश है, जनता ने मैंडेट दिया जनता के लिए। वो कह रहे हैं आपने रैली की, लेकिन रैली में 100 से ज्यादा जो है लोग दिखाई नहीं दिए सुरक्षा बलों के अलावा। ये सब इनकी जो एडिटेड फोटो लाते हैं लोग, इसका कोई महत्व नहीं है। आज नारायणगढ़ में पूरी जनसभा थी, पूरा रुपया रोड से हुआ है और पूरी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, ठीक है ना। ये एडिटेड फोटो है सब, इसका कुछ नहीं है। और ये अगर आपने कहीं मतलब मान लीजिए अगर दोनों तरफ मकान नहीं बने हुआ उधर से फोटो ले लिया आपने, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी को दिया है, तो फोटो का कोई फायदा नहीं है। आने वाली 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तो जनता वोट करेगी और 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। ठीक है संजय जी, दोनों ही प्रवक्ता जो है अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से देखिए भाजपा की तरफ से भी तमाम सारी रैलियां की जा रही हैं और जो है रोड शो की जा रहे हैं, आप ही आपकी तरफ से भी तमाम सारे जो है हिसाब मांगो यात्रा से लेकर जो है तमाम सारे जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं, किस तरीके से जो है कौन से प्लान के साथ में जो है इस बार उतर रहे हैं, या फिर और ओवर कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपको बहुमत मिला, जिस तरीके से टिकट मिली, आप सीटें जो है आपके खाते में आई हैं इस बार, उसको देखते हुए आप कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? हमारे भाई ने जो बात की कि हमने इतने रोजगार दिए, इस वक्त हरियाणा सरकार के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो पोस्ट हैं वो खाली है। हमारे भाई ने बात की कि हमने 1,00,000+ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी, वो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट दी, वो एम्प्लॉयमेंट वो डेली वेजर टाइप की जो है वो की। दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट दी, एम्प्लॉयमेंट का चांद पे दी। आपने कौन सा प्रोजेक्ट जो है हरियाणा में नया लगाया? क्या आपने कोई पावर प्लांट लगाया? क्या आपने कोई हैवी इंडस्ट्री लगाई? कोई आपने इंडस्ट्रियल हब बनाया? कोई ऐसी चीज ये गिना नहीं सकते कि इन्होंने जो है पिछले समय में इस किस्म की इन 10 सालों में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का हाल जो है वो रामपाल वाला जो सतलोक वाला हुआ जिसमें 30 लोग मरे, जाट आरक्षण के उसमें 35-40 लोग मरे, राम रहीम वाले में फिर 35-40 लोग मरे, लॉ एंड ऑर्डर पे ये फेल, इकोनॉमिक फ्रंट पे ये फेल, किसानी के मुद्दे पर ये फेल, और वो हरियाणा जो एक विकसित राज्य है जो हर तरह से जो है दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो तो ये वाकई चिंता का विषय है। आप जो है प्रोपोगेंडा के सिर के ऊपर जो है वो इमेज अपनी बेट कर सकते हैं, वोट नहीं ले सकते। अगर मुझे दर्द हो रहा है और आप बोल रहे कि नहीं जी बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, जनता मैच्योर है, जिस तरीके से भीड़ जुटाने से या वो करके कोई क्लेम जो अगर कोई करे तो मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने पिछले समय में आप एक भी मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो चाहे हीरो होंडा हो,
वो चाहे एचएमटी हो, वो सारी की सारी आईश हो, वो सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पर आई। और मारुति सुजुकी है जिसने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल क्या किया हरियाणा के अंदर। और इसी तरह के जो काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो संजय जी जिस तरीके से लगातार रैलियों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, या फिर मैं भाषणों की अगर मैं बात करूं, मंचों से, बड़े बड़े मंचों से दावे ठोके जा रहे हैं कि हमने जो है किसानों के हित में एमएसपी पर काम किया है। देखिए एमएसपी हम दे रहे हैं, आप हम देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं, तमाम सारी वो योजनाएं जो गुनाई जा रही हैं, चाहे मैं रोजगार की बात करूं, कर्मचारी को कच्चे से पक्का करने की मैं बात करूं, उनका क्या करेंगे आप जिस तरीके से भाजपा जो गिनाती हुई नजर आ रही है? ये सारी की सारी जो घोषणाएं हैं ये कब हो रही? 10 साल में इनके पास टाइम नहीं था, या 10 साल में ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स करते रहे? ये 10 साल बहुत लंबा समय था, डबल इंजन की सरकार थी सर इनकी। तो इन 10 सालों में कोई घोषणा नहीं। किसानों को जो एमएसपी दी वो हमने देखा सिंधु बॉर्डर पर हुआ, वो हमने दूसरा जो पाक डॉलर हुआ जिसमें गोली चलाकर जो है वो किसान शहीद कर दिया गया, वो जिस तरीके से गांव के बाहर जो है पुलिस का पहरा लगाया गया और लोगों को कहा गया कि अगर आपने आंदोलन किया तो आपकी कुर्की होगी, और उसमें मिसालें दी गई कि हमने एक योगी जी को बनाया है जो कुर्कियां करते बुलडोजर करते, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब एमएसपी अंत में जो ये घोषणाएं हैं ये कभी कर्नावित भी होंगी, ये कभी जो है उसको जमीन पर धरातल पर उतारा भी जाएगा, ये शक को छुपा की बात है। क्योंकि बातें इन्होंने की जी, इन्होंने इम्प्लीमेंट कितनी की, लेकिन दूसरी तरफ आपसे सवाल भी है और आरोप ये भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो है रोजगार की बात करूं, भर्तियों की बात करूं, तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस रोड़ा बन रही है, जिसको देखते हुए आवास गिरने तक जो है आपने देखी तस्वीरें। सर मैंने तो आपको पहले बताया कि अगर इम्प्लॉयमेंट किसी ने दी है सबसे दूसरी बात जो ये कह रहे हैं खर्ची और पर्ची, देखा मुख्यमंत्री खुद पर्ची मुख्यमंत्री हैं, सारे के सारे इनके मुख्यमंत्री आजकल तो पर्ची मंत्री आ रहे हैं, वो खर्ची और पर्ची का क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखिए कि जो प्राइवेटाइजेशन है, हर चीज को ठेके पे दिया जा रहा है, और ठेके पे देने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि जहां सरकारी मुलाजिम से आप उस किस्म की उगाही नहीं कर सकते, इसीलिए पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के लिए मारा मार, क्योंकि सारा काम आपने प्राइवेटाइज कर दिया, तो इन चीजों का विरोध तो किया जाएगा। अगर आप एक जो वेजिस है सरकारी वेजिस है उसको देने की जगह आप अग्नि भी भर्ती करेंगे तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द क्वांटिटी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। आप कहें कि हाँ जी हम आपको दे देंगे, आप 10,000 15,000 20,000 25,000 जिसका जो सरकारी ग्रेड है उसके एक काउंटर पार्ट जो परमानेंट इम्प्लॉई है वो अगर 75,000 ले रहे हैं, आप किसी को 20,000, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? हम जो है इसलिए जो इस किस्म की पॉलिसी है हम उसका विरोध करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है राजवीर जी, आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आपने जितनी भी घोषणाएं की वो पहले जो है इतना वक्त ले लिया घोषणा करने के लिए, दूसरी तरफ जो है यहाँ डॉक्टर निशांत भी हैं, वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं, और जितनी जो है जो समस्याएं हैं जनता की रोजगार से जुड़ी हुई हो या एमएसपी से जुड़ी हुई हो या गैस सिलेंडर की धरातल पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, इस तरीके का दोनों ही प्रवक्ता जो है आपसे कह रहे हैं। और लेकिन इस पर जो है मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, जरा देखो शहर में चुनाव आ गया। जी राजवीर जी, ओवर टू यू। जी तो क्या दी हमने हर गांव में 10-20 साल, मैंने पहले बताई ये बातें। अब जो इन्होंने ठेकेदारी की बात की, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ठेकेदारी पता लगाने वाली कांग्रेस और इनलो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर वाला सरकार ने जल्दी जोर निकलने का काम किया है। एस के आर लेके आई हरियाणा कौशल विकास निगम, जिसमें
क्योंकि उसमें कोई मेरिट होती नहीं, इसमें उसमें जो ठेकेदारी में पहले लग रहे हैं उन लोगों को एडजस्ट किया गया, उन लोगों को एडजस्ट करके और भी उनको जो उसमें कैटेगरी में आते थे हमने कैटेगरी बनाई भाई 1 लाख में इतने नंबर लगेंगे, 1,80,000 पे क्या ऐसा पैरामीटर हमारा, तो उस आधार पर हमने उन लोगों को वहां जॉब सिक्योरिटी दी भाई आप लोग यहाँ काम करते रहो, अगर आपने और कहीं भी तैयारी करनी है तैयारी करके जा सकते हैं यहाँ से, ये तो जॉब सिक्योरिटी चल जो इन्होंने ठेकेदारी पता की थी उसको रेकोगनाइज कर दिया हमने। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने 18,000 रुपए में दस्तक करवाते थे, ये लोग 8,000 रुपए उसे एम्प्लॉय को देते थे, 55,000 रुपए लिए जाते थे, वो डीसी रेट की नौकरी बोलते थे, हमारे देहात में तो पता नहीं था इन चीजों का, डीसी रेट की नौकरी कौन सी है ठेकेदारी की कौन सी है, क्योंकि दलाल इनको हर गांव में बना दिए थे, आप इनकी रैलियों में चेक करो आप वही लोग मिलेंगे आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जो जिन लोगों ने दस्तक लड़ाई खाई है, कोई भी नया कार्यकर्ता इनके साथ नहीं जुड़ा, कल फिर हो सकते हैं इनके दीपेंद्र हुड्डा का अलग है, रणजीत सिंह का अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अलग है, लेकिन इनके पास असली कांग्रेस का धंधा खाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है, और ये चीजें इन्होंने साबित भी की है, इनके जो अलग अलग नेताओं के जान आते हैं तो टिकट जो चुनाव लड़ रहे हैं लड़ने के इच्छुक है जो लोग वो कह रहे हैं अब टिकट नहीं जब निर्दलीय जाएंगे हम लोग, तो ये सारी चीजें इनकी जो लोगों को कहने का ही है कि इन्हें अपनी अपनी पार्टी की तरफ देखना चाहिए, जो 12-13 साल से संगठन खड़ा नहीं कर पाई वो पार्टी, जिस पार्टी का आज का प्रदेश अध्यक्ष ने कभी टेन्योर पूरा नहीं किया अपना, वो चाहे अशोक चौधरी और जिनके जिनके साथ मारपीट हुई थी दिल्ली, वो चाहे शैलजा जी और जिनको चुनाव के वक्त हटा दिया गया था, वो चाहे अभी उदय भान जी है वो कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इनकी पार्टी का सबको पता है, पार्टी का सब पता है। डॉक्टर निशांत, घोषणाओं के आधार पर तो जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनकी पार्टियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से जो है गठबंधन पनप रहे हैं और उसको लेकर जो है आपकी पार्टी किस तरफ जो स्टैंड करती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय को किस तरीके से तस्वीर को देखती हुई नजर आ रही है, और साथ में जो है राजवीर जी का जो सवाल है कि तमाम सारी जो चीजों का धरातल पर जो है असर दिखाई दे रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, जनता उनके पास है भाई, झंडा उठाने के लिए लोग उनके पास है। डॉक्टर निशान, मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल, गठबंधन के लिए सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, अभी हमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन जिससे पहले भी गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ था, ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार को हटाने के लिए, जिसका रिजल्ट दिखा, इनका 400 पार का नारा 240 पे आके रुका। देखिए इस समय भाजपा के प्रवक्ता जितनी देर भी अपनी बात रखते हैं, चाहे वो राजवीर जी हो चाहे जितने भी आजकल मैं डिबेट में जा रहा हूँ, कोई भी अपने काम नहीं बता पा रहा, किसी के पास भी जवाब पूछ लेते हैं, एक बार पूछ ही लेते हैं राजवीर जी, राजवीर जी जो उन्होंने लास्ट 5 साल में करे, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके सामने ही पूछ लेता हूँ। राजवीर जी आवाज आ रही है क्या? ये डॉक्टर निशांत कह रहे हैं कि जितनी भी मतलब जो चर्चा में भाग ले रहे हैं वहां पर आप काम नहीं गिना पा रहे, ऐसा कुछ एक बात बताओ नजर आ रहा है क्या? आप इनको काम गिना दीजिए 4-5, मैं अभी काम की बता रहा हूँ ना, मैंने पहले भी गिनाई है, लेकिन कितना लगा हुआ है 152 की यात्रा करके देखिए अब नरलो की अंबाला की चंडीगढ़ की, आपको पता लग जाएगा विकास क्या है, ऐसे 12 नेशनल हाईवे आ रही है उन्होंने बनने लग रहे हैं, देखिए साहब 18 मंजिला पीजीआई तैयार हो रखा है, केंद्र में 18 मंजिला पीजीआई तैयार हो रखा है, आप वहां जाके देखिए आपको आपको पता लग जाएगा विकास क्या चीज है, 59 लाख राशन कार्ड बनाए हम लोगों ने जी, अब आप रेंडमली चेक कीजिए कितने लोगों ने राशन कार्ड बने, राशन कार्ड ठीक है, दूसरा काम सुनिए मेरी बात, आप आयुष्मान चिराई आयुष्मान से अपने आयुष्मान करोड़ का भुगतान किया है हरियाणा की जनता का, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, हमने हमने किसानों के लिए किसान निधि जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी वो 19-20 किस्तें जा चुकी है उसकी, वो आपको दिखाई नहीं देगा, हमने 14 फसलों का एमएसपी दिया लगातार 72 घंटे में हमने पेमेंट किया, आपको वो दिखाई नहीं देगा, 800 लोगों में चादर थी हरियाणा के किसान भाइयों ने, निशान जी अब तो लगातार गिरा रहे, देखिए हाईवे उन्होंने निर्माण कराया, राशन कार्ड उन्होंने बनवाए, आयुष्मान कार्ड, और आपको काम चाहिए, ठीक है राजवीर जी और काम काउंटर कीजिए जरा, और काम जो गिनाइए जी जी, हमने 3.5 लाख पेंशन वो बनवाई है, 2 लाख पेंशन जो बाबा पेंशन जो, और हमने 3,000 की हमारा चुनाव में वायदा था, हमने 3,000 पेंशन करके दिखाई, कब किया कब आप कब एग्जीक्यूट किया, अरे सुनो भाई सुनो, मैं आपको बात नहीं करूंगी, मैंने आपसे
ठीक है, अभी तो काम गिना रहे हैं, अभी काम गिना रहे हैं, हम जवाब देंगे। अभी क्या बात करनी है आपसे, आपको बताइए, मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, आपकी बात में क्या कह रहे हैं, आपकी बात में क्या कह रहे हैं, इसलिए हरियाणा में उनको भाड़ा जाएगा जिस तरीके से थोड़ी शर्म करो। नहीं अरे आनंद जी, थोड़ी आप कह रहे थे कि काम नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन देखो उंगलियों पर लेकर बैठे, उंगलियों पर गिना रहे हैं, इनको तो हर चीज में सबूत मांगने की जरूरत रखी है, इनको तो सर्जिकल सब रही के आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ संजय जी। आनंद जी, अभी आप कह रहे थे कि चर्चा में काम नहीं गिना पा रहे, उन्होंने उंगलियों पर गिना दिए साहब, इतने सारे काम जो है गिना दिए, भाषण जो घोषणा है उनमें भी जो है काम गिना रहे हैं। देखिए हाईवे से लेकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन योजना, तमाम सारे जो काम है, एमएसपी, गैस, रोजगार। आनंद जी, और 2014 का जी जी, इनमें 125 गारंटी दी है इन्होंने 14 में और 109 गारंटी दी है इन्होंने 2019 में। 114 और 125 14 वैली 92 अभी तक शुरू भी नहीं हुई, 2019 के 85% काम शुरू भी नहीं हुए जी। सर ये धोखा जो दे रहे हैं ना कि सिलाई ऊपर बनाया, आयुष्मान कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, जनता इसका जवाब देगी। किसान 750 किसानों की शहादत हुई है, युवा बच्चे इसराइल इन्होंने नौकरियों के लिए भेजे, हर कर्मचारी ने, हर वर्ग ने अपना आंदोलन किया, हर वर्ग परेशान हुआ है हरियाणा की जनता से। आज इनके घोषणा मंत्री जो सीएम साहब है उनकी रैली में 100 लोग आ रहे हैं, जनता इनसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि जनता को कह रहे हैं हम सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि मैं आपकी बात का सवाल नहीं दूंगा, हाईवे गिनवाना ये जवाब नहीं है आपका 10 साल में काम करने का। किसान के लिए क्या किया, जरूरतमंद के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, बुरी आदत मांगने की कितने सारे स्कूल बनाए, कितने लोगों को राशन दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, सवाल ये होने चाहिए। फ्लाई ओवर गिनवाना, फ्लाई ओवर करवाना काम नहीं आ रहा है कि जनता के लिए, काम ही नहीं है, रोजगार की तो गिना रहा था। शहर में एक बिलोनियम सिटी में 10 से 15 घंटे का कट है, ये काम किया हरियाणा में। आज 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टुडे इन सुशांत लो, गुड़गांव किसी भी पार्ट में चले जाओ, 12 घंटे का बिजली का कट है, सरकारी अस्पताल नहीं है कोई अच्छा, सरकारी स्कूल शिक्षा नहीं है। ये इनके जुमले डिबेट में देने के लिए है और इसी तरीके से इनके मंत्रियों को जनता पूछ रही है। ठीक है ठीक है, अब भी समय है, सुधर जाओ, खुश रह के काम करो जनता के लिए। संजय जी काम गिना रहे लगातार राजवीर जी, उंगलियों पर लेकर कामों को लेकर चल रहे, लोग तैयार है पूरी तरीके से, जनता तक पहुंच चुके हैं। अब मेरे को लग रहा है आपके पास काम नहीं पहुंच रहे हैं, उंगलियों पर काम इनके पहुंच गए आपको, हमारी बातें आपकी उंगलियों तक नहीं पहुंची। समय बताएगा, आम आदमी पार्टी ने भाजपा का दिल्ली और पंजाब में सफाया करा है, हरियाणा में भी शुरुआत हो चुकी है, समय के साथ हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देगी जनता। ठीक है ठीक है, रोहिला जी ने जो बात की जी, सड़कों की बात की, सर ये मैं बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि संसार में जितनी भी फासिस्ट गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है, असली विकास जो है वो एक चमचमाती सड़क है, उस चमचमाती सड़क की कीमत क्या है। मैं भी पिछले दिनों जो है चंडीगढ़ से रोहतक और सोनीपत वगैरह गया, जितना मेरा लगभग पेट्रोल का खर्चा था सर, उतना ही टोल जो है वो कटा। हॉस्पिटल्स की बात मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, और पंचकुला में पिछले साल में एडमिशन बिल्डिंग पूर्ति सर जी, हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और दूसरे की बात थोड़ी फिर दो तीन दिन आरामी करना है, बिस्तरी तोड़ना है, तो उसका जो सर उसमें कंटीन तक नहीं थी, वहां से पेशेंट को खाना आता था, वो पास में जो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में एक लंगर चलाते हैं, वो खिचड़ी जो है उस अस्पताल के अंदर
पड़ोसी जहाँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरी इस मामले में झूठ नहीं बोल रहा। जो आप ये जो है हाईवे बना देने से सबसे बढ़िया काम ये होता है कि जब आप हाईवे बनाते हैं तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है उसमें, एक टाइम कमीशन है। ये काम जो है इस सरकार ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया कि सड़क बना दो और आपको कोई ये विकास है। सर वो जमाने बीत गए कि आप जैसे कि सड़क बना दी और उसके ऊपर आप कहें कि आज की डेट में अगर आप गांव में सड़क बनाते हैं, अगर आप गांव में पानी देते हैं, अगर आप गांव में बिजली देते हैं, लोग इसे खराब नहीं समझते, लोग इसे हक समझते हैं अपना। पिछले 78 साल की आजादी में हमने निरंतर विकास किया और हर सरकार का ये फर्ज है कि वो इस निरंतर जो विकास है वो तो करे। ये क्रेडिट वाली कोई इसमें बात नहीं है। जो निशान जी ने जैसे बात की है कि इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो केंद्रीय में चल रहे थे उनको एक नाम दे दिया प्रधानमंत्री जो भी है, ये करते नाम ठीक है। कोई ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये है इस प्रकार के लिए। दूसरी बात, एजुकेशन ना सिर्फ उसकी स्केसिटी आ गई है, महंगी भी बहुत हो गई। मैं अपनी एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। मैंने लॉ की जी सर, मेरा 300 रुपए में हॉस्टल था, 70 रुपए मेरी फीस थी। यहाँ पे मैंने लॉ भी की, मैंने एमए फिलॉसफी भी की और मेरे साथ वो लोग पढ़ते थे। एक के जो पिताजी थे वो महिंद्रा में जो है सिक्योरिटी गार्ड थे, 1500 रुपए तनख्वाह थी और फौज से रिटायर्ड सिपाही थे अफसर पोस्ट के, तो 2-2.5 हजार रुपया जो है उनकी जो है वो पेंशन आती थी। उस आदमी की 3-3.5-4 हजार रुपए की इनकम वाला आदमी संघोष, उसका गांव था कमराड़ा के आसपास, वहां से वो दिल्ली सरकारी बस में आता था। मेरे साथ वो कॉलेज में पढ़ा, फिर वो लॉ में पढ़ा, आज फतेहगढ़ साहब पे वेल एस्टेब्लिश वो वकील है। एजुकेशन चीप भी होनी चाहिए। ये जो एक सबसे आज की डेट में मैं अगर लाख रुपए भी कमा रहा हूं और मेरी वाइफ भी चलो ठीक ठाक कमा रही है, मुझसे शायद ज्यादा ही कमाती है, अगर मैं सोचूं कि आज की डेट में मैं अपने बच्चे को मेडिकल में या किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा दूं, मेरे लिए चिंता की बात है। जो पिछले सालों में जो एजुकेशन पे काम हो रहा है ये था वो नहीं हो पाया। बड़े इंस्टीट्यूट, जो अच्छे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए थे, हॉस्पिटल की बात है, आयुष्मान का भी था कि एक ही फोन नंबर पर 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर है, सर हरियाणा की बात नहीं थी। तो आयुष्मान भी जो है वो था, आयुष्मान आप चले जाइए कौन सी दवाई मिलती है, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत भी सीरियस बीमारी है आयुष्मान पर दवाई नहीं मिलती है। और एक गरीब आदमी जो है वो दवाई लेने के लिए अगर 4-4 घंटे वेट करे, फिर उधर जाए, फिर कहती है मैं लेकर आता हूँ, फिर आप रिफंड करें, उसमें कमीशन है। ये सारी चीज जो है इसका हिसाब किताब जो है वो जनता आने वाले चुनाव में जो है वो मांगेगी। और भाजपा को इन सब चीजों के लिए, जनता के रोष के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है राजवीर जी, सुना आपने? मैंने सुना जी कि किस तरीके से कितना काम है, ये कामों में नहीं योजनाओं योजनाओं को गिना रहे हैं, सड़क का गिना रहे हैं। जितना जो संजय कुमार जी कह रहे हैं मुझे आपको गिनाना पड़ रहा है कि जिस तरीके से संजय कुमार जी ने कहा कि ट्रेवल किया उस पर जो है उससे ज्यादा पेट्रोल से खर्चे से ज्यादा जो है टोल का खर्चा लग गया, और जितने भी जो काम है तमाम सारे उन्होंने गिनाए कि जिस तरीके से कैसे आपने जो काम गिना रहे हो आप। आयुष्मान कार्ड का उन्होंने गिनाया कि धरातल पर जो है इंप्लीमेंट नहीं है इसका, किस तरीके से जो है एक भी इलाज नहीं संभव है इस पर, तो वो काम देखो मैं पता क्या है, अभी जो संजय जी ने बोला है कि भाई आलोचना करना हक है, कोई बात नहीं, लेकिन संजय जी आप एक बात मान लो, लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। आयुष्मान की ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सरकार ने अपना योजना चला के राख बंद कर ली, सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है और सरकार उसे बेहतर करने का प्रयास करती है, सरकार बेहतर करने का प्रयास करती है। उसमें रही बात है, अगर अगर सरकार ने रोड बनाए हैं जैसे 152 बोल रहे हैं, सड़कों की तरफ जाती तो और अच्छा रहता, सड़कों गांव अगर हलकों में लेकर जाएंगे लोगों के पास, जनता के पास जो है सड़कों का काम गिनाएंगे क्या जनता मान लेगी?
पर जनता, सुनिए मेरी बात, जनता के लिए हमने काम किया, हमने नौकरियां दी, पक्की नौकरियां दी हमने, वही तो जनता के हित में जो काम किए वो गिनाने के आप, तो मैंने गिनाए तो थे आपको पहले भी, नहीं मैं नहीं, संजय जी कह रहे हैं, मैंने तो पहले भी गिना दिए थे काम, काम वाले तो बात नहीं, एक्चुअल में क्या चुनावी मोड में है, हमें हमारी पार्टी और हमारा संगठन लगातार इस काम में लगा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर श्री नाथ जेड़ी जी और श्री मोहनलाल बरौली जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार प्रवास कर रहे हैं, आज भी उन्होंने नारायणगढ़ में पुंडरी में रोड शो किए हैं, तो आप हमारे आप ये मान के चलो जनता का आशीर्वाद भरपूर हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता के लिए हमने 10 साल काम किया है, जनता को ये पता है कौन लुटेरे हैं, कौन लुटने वाले हैं और कौन काम करने वाले हैं, जनता ने 10 साल तक काम करने वालों को रखा है, तो लुटेरे को लुटेरे के लिए आज भी कोई जगह नहीं है, कल भी कोई जगह नहीं है, कैसे सीएलयू गैंग खड़ी कर दी थी, कैसे कांग्रेस के नेता ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में है, कैसे सुरेंद्र पवार ने अपने हल्फनामे में 9% हिस्सेदारी दिखाई तक की हिस्सेदारी 32% पाई माइंस में, कैसे राहुल गांधी सिंह पर आरोप लगे वो उनके उनकी जो संपत्ति है वो खोड़ गई थी उनके किले से गुड़गांव साइड में, ठीक है ना, कैसे इनके और नेता जो जो रडार पे हैं, तो इन्होंने जो कांग्रेस ने जो 10 साल लूटा है वो दोबारा ना आए, जनता इसके लिए तत्पर है बिल्कुल, जनता तैयार है इनका जवाब देने के लिए। संजय जी, माइनिंग की इन्होंने बात की, अरावली की माइनिंग हुई है, माइनिंग में डीएसपी को कुचल के मार दिया गया माइनिंग माफिया द्वारा, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ता है, इनकी जो एक्सटेंशन है ईडी और सीबीआई रोज आज फिर वो फटकार खा के आई है सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरीके से इन्होंने मिसयूज किया, ये करप्शन की इनकी नई परिभाषा है कि जिसमें हिस्सा इनको मिले वो करप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे और किसी का बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का, जो इनके खिलाफ बोलता है ये उठाकर उनको आज ईडी और सीबीआई की तो बात करनी ही नहीं, जब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हाईकोर्ट में भी उन्होंने टिप्पणियां की है, इस तरीके से मिसयूज हुआ है और करप्शन के, मतलब एक ये होता है कि जिस आदमी को आप हरा नहीं सकते ना, आप उसको बदनाम कर दो, आप हल्ला मचा दो जी ये सबसे करप्ट आदमी है, ये तो चोर है जी। ये तो ये बीजेपी का ये है, ये आप जो भीम है ना, ये लोग सुन सुन के अक गए हैं और इसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करें जी। राजवीर जी, जी कोई जवाब है आपके पास? मेरे पास सारे जवाब है, जवाब क्यों नहीं है मेरे पास? आप ये बताओ बदनामी किसकी की गई, संपत्ति किसकी तहत हुई, सेज के नाम पर जमीन किसानों की कैसे खरीदी गई और कैसे अपने मित्रों को बेची गई दफ्तर में, ये सारा पूरा नेक्सस है सर, ये पूरा नेक्सस है, क्यों केस लगे हुए हैं आपके नेताओं पर, उधर साहब की क्यों बेचियां लग रही है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है इन चीजों के बारे में, क्योंकि जनता जानती है और जनता जानती है सर, कैसे आपके आपके डी पार्क में नौकरियां मिलती थी लोगों को, कैसे आपके नेता ये क्या कहते थे भाई तुम्हारे को तो मतलब क्या दिन दिन के दिन की पड़ी है तुम्हारे को, तो तुम्हारे को ये नहीं रकम रोक के काम करवा लो, आपके आपके नेता ने क्षेत्रवास जमकर किया, आपके नेता ने भाई भतीजावास जमकर किया, आपके नेताओं ने नौकरियां बेची, आपके नेताओं के आज मैं आपको हजारों घरों में ऐसे ले जा सकता हूँ जिन घरों में कभी मतलब सरकारी नौकरी चलकर पास मिटी में नहीं थी, चार चार पांच वर्ष में क्या सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की कि जो पड़ेगा वो नौकरी लगेगा, हमने वो पारदर्शी व्यवस्था प्रयोग की, लेकिन आप लोगों के कारण क्या हुआ, आपके मैं एक बार बताता हूँ, आपके लेक्चरर की भर्ती थी 360 के एक बार जी, संजय जी आपके विशेष क्षेत्र के लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए, यमुनानगर का, हिसार का, सिरसा का, वहां से फार्म भर दिए, वो लोग भर्ती हो गए, वो अल्टीमेटली वो लोग कहते थे बेनिफिट कहां को मिला, तो आपके लोगों आपके नेताओं ने जो किया है वो भुगता है, और आज आपके आज सांसद जी का बाबू राज जी का तो बयान है, आपने सुना होगा वो मतलब सांसद चुनाव नहीं लड़ सकता, जब भूपेंद्र सिंह उठा थी 2004 में वो मुख्य 2004 में मुख्यमंत्री बने वो सांसद थे, ठीक है ना, आप लोगों के जो नेता है वो लगातार के लिए फैसला ये है और किसी को उभरने मत देना, और बेटे को आगे बढ़ाना है बस, और आप लोगों का तो झगड़ा क्या है, कैप्टन अजय सिंह यादव अलग इस पर बोलते हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग,
आपके नेता के वजह से कितने नेता ने पार्टी छोड़ी है ये आपको भली भांति पता है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम बिल्कुल शिद्दत से कर रही है। हमारा हर कार्यकर्ता वोट से मुस्तैद है। हमने इसी संडे को इतवार को हमने 30,000 वोटों पर अपने पार्टी के कार्यालय खोले हैं। निशांत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद जो है संजय जी के पास जाऊंगा। निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी शिद्दत के साथ में काम करती हुई नजर आ रही है और इस तरीके से जो है राजवीर जी जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है शिकस्त दे पाएगी, या फिर आप जो है इस बार जो है किसी गठबंधन के तौर पर जो है आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटी है। हरियाणा को मुफ्त और 24 घंटे बिजली मिलेगी, सबको अच्छी शिक्षा और मुफ्त इलाज मिलेगा, सरकारी स्कूलों में अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है हरियाणा के लिए, सभी माताओं और बहनों को हर महीने 1,000 रुपए की समान राशि मिलेगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा। ये जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है वो हरियाणा को बहुत जरूरत है। देखिए आम आदमी पार्टी वो गारंटी और वो काम करना चाहती है जिसकी धरातल में जनता को जरूरत है, और आम आदमी पार्टी वो काम दिल्ली में 3 बार सरकार बनी है, काम किया है, इसकी 4थी बार बनने जा रही है, पंजाब में भी बहुमत की सरकार, और देख सकते हैं हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में है दोनों जगहों से। उनको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक किस हिसाब से बने, उनको पता है कि शिक्षा कैसे वर्ल्ड क्लास की दिल्ली और पंजाब में मिलने लग गई है, कैसे 1500 बच्चों का नीट में एग्जाम क्लियर हुआ है। और देखिए भाजपा का कोई वजूद नहीं है हरियाणा में, 10 साल की सरकार होने के बावजूद अगर जनता ये बात कह रही है, तब से उनकी 5 सीटें गिरी है, 50% डाउनफॉल हुआ है, कांग्रेस ने 5 सीटें ली जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में 6थी सीट पे कुरुक्षेत्र में 5,15,000 मिले, मात्र 13,000 वोटों से उनका कैंडिडेट जीता। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। 50% लोकसभा में उनकी वोटिंग गिरी है, उनकी सीटें वो हारे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली पे काम नहीं करती, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, धूल झोंकती है जनता की आंखों में, और अब उनका समय हरियाणा में पूरा हो गया। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जो है मैं संजय जी से लेना चाहूंगा। संजय जी, सर ये इन्होंने 10 साल चाहे वो डबल इंजन की जो सरकार है, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और वो कंप्लीट किया। या तो किसी का शिलान्यास कर दिया, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, यानी उसको कंप्लीट नहीं किया, और जो कंप्लीट हुआ इनके टाइम में। लास्ट बात मैं कहूंगा, जो और CBI की बात है, सर मैंने बहुत साल तक यूनियन ऑफ इंडिया का जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। मैंने ईडी के भी केस किए, मैंने CBI के भी किए, मैंने NIA के भी किए। 2015 में मैं कभी पैनल पे तब नहीं आया था जब कोई कांग्रेस की या किसी और पार्टी की सरकार थी, मैं तब आया सेंटर के पैनल के पर, और मेरे प्रोफेशनल एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते। अल्टीमेटली मैंने 3 साल में हाथ जोड़े के सर हम जो है रोज रोज कचहरियों में गालियां नहीं खा सकते, आप ईडी के कितने केस है जो आपने बुक किए 10 साल में, और आप कन्विक्शन का केस आप उसकी बात कीजिए, लोगों को उठा के जेल में डाल दो। ठीक है सर, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। संजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशांत तानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजवीर रोहिला जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में जो है किस तरीके से जो है हरियाणा चुनाव का जो दंगल है उसमें किसका मंगल होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी, और आने वाले दिनों में जो है इसकी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट होती हुई साफ तौर पर दिखाई देने वाली है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।